नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं प्रिया वर्मा। साहिबगंज पूरे देश में कई अनेकों रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, जिसमें साहिबगंज जिले के मालदा रेल मंडल अंतर्गत राजमहल तीन पहाड़ रेलवे मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत योजना के तहत तीन रेलवे अंडर पासवे ब्रिज का शिलान्यास ऑनलाइन माध्यम से किया गया। राजमहल तीन पहाड़ रेलवे मार्ग पर पड़ने वाले गुनीहारी गेट, दरहला गेट एवं मां पगली दुर्गा मंदिर के आगे मिर्जा गेट के अंडर ब्रिज का निर्माण होना है। तीनों अंडर ब्रिज के निर्माण में कुल 12 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर रेलवे अधिकारी के साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे थे। इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए। 2024 इन करीब शिलान्यास हो चुका है, और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत, समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ। कल को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन, वह निश्चित रूप से रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से यहाँ के लोगों को विकसित भारत से जोड़ा जा रहा है। यदि हम औषधि केंद्र को हम विकसित करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के तहत पूरे रेलवे स्टेशन पर हम औषधियों का व्यवस्था करेंगे। अब अचानक आप देखते हैं कि हमारी यात्रियों की जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है रेल के माध्यम से, अचानक बीमार हो जाते हैं लोग, अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। यदि प्रत्येक स्टेशन पर इसकी व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से हमारी यात्री का जो सेवा है वह निश्चित रूप से हम सेवा के रूप में उसको यह हम उपलब्ध कराएंगे। औषधि की तरफ बढ़ रहा है, और जो एक एलोपैथी से जो रिलेटेड इश्यूज थे और जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते थे, उनका ज्ञान भी लोगों को हुआ है, और इसलिए लोग बाग ज़्यादातर आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं, और उसकी उपलब्धता भी अब सुनिश्चित हो रही है। और रेल एक ऐसा माध्यम होगा, रेलवे स्टेशन एक ऐसा माध्यम होंगे जहाँ पर हमें आसानी से ये औषधि उपलब्ध होगी, और ऐसी साहिब जैसी जगह, जैसी जगह जहाँ पर की बहुत प्राकृतिक औषधि उपलब्ध है, उसको जड़ी बूटियों के फॉर्म में हम प्रदर्शित करेंगे और जड़ी बूटियों को बताएंगे कि इसका हमारे लिए क्या लाभ हो सकता है। हम लोग सब पहले से जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारतीय रेल के कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम सबों को याद है कि 2014 से पहले हम सभी चर्चा करते थे कि कहलगांव तक डबल लाइन की स्वीकृति हो गई है, घोघा तक हो गई है, लेकिन अगर कोरोना काल को हम याद करें तो डबल लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी जो काम तीव्र गति से हुआ है, आने वाले दिनों में साहिबगंज के लोगों को भी रेल की सुविधाएं मिलेंगी और सुविधा बेहतर हो रही है, इसके लिए हम रेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं।
उपलब्ध है, बट यहाँ से यहाँ ना बन के ये चीज़ बाहर जाके बनता है, ये चीज़ यहाँ बनना चाहिए। और यहाँ बनने से जो नौजवान है उसको नौकरी मिलेगा, इसका नाम होगा। हमको ये भी पता चला कि यहाँ पे बहुत पुराने फॉसिल है, यस सर, उसके लिए भी हम यहाँ पे कोई म्यूजियम बना सकते हैं, तो लोग बाहर से आएंगे यहाँ पे देखेंगे, तो वो भी आपका नाम होगा साहिबगंज का बाहर से लोग आने से। और ये जो शुरुआत है बहुत अच्छी शुरुआत है, ये सारे लोग जुड़ गए, देशों देशों के लोग जुड़ गए हैं, तो देश का प्रगति होगा, यहाँ का होगा तो देश का होगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नेशन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।